أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله الحمد لله استغفر الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم। नाज़रीन, मैं बचपन से एक सुनता आया हूँ एक चीज़ के कुदरत ने जब कोई बीमारी भेजनी होती है तो उससे पहले उसका इलाज भेज देती है। कुदरत से मुराद नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो इस पूरी कायनात के निज़ाम बनाने के बाद उसको संभाले हुए है। इसका अंदाज़ा मुझे एग्जैक्टली उस वक्त हुआ जब बचपन में मेरा वास्ता पड़ा बुखार होने से, या मुझे होश मैंने संभाली और जब भी मुझे बुखार होता था तो मेरी वालदा मोहतरमा स्पेशली जाके बाज़ार से एक फल लेके आती थी जिसको मीठा कहते हैं, मीठा यानी मीठा से मीठा। तो मैं अम्मी से कहता था कि दवाई दें या फ्रूट दें, ये तो फ्रूट है। तो उस वक्त मेरी अम्मी मुझे कहती थी तुम्हें नहीं पता कि ये बुखार का इलाज है, स्पेशली मलेरिया बुखार का इलाज। मैं कहता था कि इनको कैसे ये इल्म हो गया है कि मीठे के अंदर मलेरिया का इलाज है। उसके बाद मैंने जब स्टडी करना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई इसके अंदर कुछ ऐसे पाए जाते हैं केमिकल्स जो कि मलेरिया का बुखार हो, स्पेशली मलेरिया का, या नॉर्मल बुखार भी हो तो उसका इलाज है इसी में। अब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि जुलाई अगस्त मच्छरों का महीना है, जब बारिशें होती हैं पानी खड़ा होता है, तो इस मौसम में आपने देखा होगा कि कीड़े मकोड़ों की ईद होती है और कीड़े मकोड़े ऐसे पैदा होते जाते हैं कि ऐसे लगता है कि ये परफेक्ट कंडीशंस हैं इनके लिए, कि ये इनके माहौल को या इनकी बर्थ को सपोर्ट करते हैं। ज़मीन के अंदर से सारे छुपे हुए कीड़े निकल आते हैं ये जो जुलाई अगस्त के महीने होते हैं। वो मेंढक जो 6-6 महीने हाइबरनेशन करता है उसकी भी आपको बारिश के बाद आवाज़ें सुनाई देती हैं, केंचुए ज़मीन के अंदर से निकल आते हैं। ये तो चले वो चीज़ें हैं कि अगर आप इनसे दूर रहें तो ये आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन मच्छर का क्या करें। जिनके घर खुले हैं, जिनके घर में जाली वाले दरवाज़े नहीं लगे होते, या गाँव देहात में जो खुले सहन वाले, या शहर में भी, वो क्या करें, वहाँ तो मच्छर पहुँच जाता है। हमारे पुराने घर में एक दरख्त लगा होता था अमरूद का, तो उस पर बहुत मच्छर होता था, जिसकी वजह से मुझे अक्सर, मतलब जब मगरिब के बाद मैं छत पे होता था पतंग उड़ाने के लिए, या सिर्फ सूरज को ढलता हुआ देखने के लिए, बादलों को, परिंदों को अपने घर में वापस जाने के लिए मैंने स्पेशल वक्त रखा होता था। मगरिब से पहले परिंदे सारे के सारे हमारे छतों के ऊपर से गुज़र के, हमारा जिस जगह घर था तो ये जाते थे सारे कैंट की साइड पे, वहाँ पर दरख्त लगे होते थे जहाँ इन्होंने अपने घर बनाए होते थे। तो मुझे मालूम होता था कि अब असर से पहले और मगरिब, असर के बाद और मगरिब से पहले ये सारे परिंदे जाएंगे। तो मैं मच्छर को उससे भी कटवाता रहता था, लेकिन वो मैं परिंदों को बैठ के ना देखता रहता था। बहुत सारे तोते, बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे कौवे, बहुत सारी, एक परिंदा लाली उसको कहते थे, तो ये उड़ते उड़ते जाते रहते थे। तो मैं नेचर को स्टडी करता था, अब वो नहीं नज़र आते। मैं अब भी छत पे चढ़ता हूँ, अब वो नहीं नज़र आते आजकल वो परिंदे उड़ते हुए, ना अपने घरों को वापस जाते हुए इस जगह से नज़र आते हैं। शायद उन्होंने रास्ते ही बदल लिए, क्योंकि दरख्त काम हो गए ना। चल खैर, ये एक दूसरा मौजू है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे बुखार हो जाता था हर मौसम बरसात में। वजह क्या होती थी, यही मलेरिया मच्छरों से। तो मेरी वालदा मोहतरमा मुझे भी कहती थी जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया कि जाओ बाज़ार से मीठे लेके आओ। मैं कहता था अम्मी जी ये बड़ा अजीब सा फल है कि खाना शुरू करो तो मीठा, और जूं जूं खाते जाओ एंड में आके इसका जायका कड़वा। वो कहती थी कि ये दवाई है, इसको फल मत समझो, ये बेसिकली दवाई है। तो नाज़रीन, मैंने जब इसके मतलब पढ़ना शुरू किया मीठे के मतलब, अब ये ग्रीन कलर होने की वजह से शायद कोई मुश्किल हो रहा हो, तो मैं बड़ा हैरान हुआ नाज़रीन कि इसके अंदर वाकई
जो है एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं क्यूनाइन, क्यूनाइन लाइक अल्कालाइड्स। और जब मुझे बुखार हुआ और जब डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, जो मुझे उसने दवाई दी तो वो थी गोली रेसोचिन मलेरिया के बुखार के लिए। रेसोचिन गोली के अंदर भी जब मैंने देखा तो यही लिखा हुआ था कि जो है वो इसमें भी क्यूनाइन पाई जाती है। अगर आप रेसोचिन का अगर आप उसका फार्मूला देखें तो यकीन करें कि वही चीज़ उसमें पाई गई थी जिसको कहते हैं क्लोरोक्यूनाइन, क्लोरोक्यून। बेसिकली ये वही चीज़ है जो उस टैबलेट में पाई जाती है नाज़रीन। जब इसको काटें तो ये बेसिकली अगर आप इसको गौर करें तो ये लीमू की शक्ल का है, लीमू से 3 गुना जो है वो 4 गुना बड़े साइज़ का होता है। इसीलिए इसका नाम भी जो है उन्होंने क्या रखा है, इसका नाम स्वीट लाइम, स्वीट लाइम। और जो इसका दूसरा नाम है, जो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेडिकल में इसका नाम है या बायोलॉजी की दुनिया में इसको जो है इसको कहते हैं सिट्रस, LIME TTA, लीमेटा, सिट्रस लीमेटा। तो मुझे लगता है कि लीमेटा को करते करते मिट्टा मिट्टा इसका नाम कर देगा, और मिट्टा से क्योंकि इसका जायका बड़ा स्वीट होता है तो इसका नाम मीठा रख दिया गया। नाज़रीन इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि मैं ख़ुद हैरान कि जिस तरीके से लीमू के 1000 फ़ायदे होते हैं ना लीमू के, इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका टेस्ट चेंज कर दिया है कि लीमू के आप डायरेक्ट उसका रस नहीं चूस सकते। रस पीना लीमू का बहुत मुश्किल होता है, तुर्श, इंतहाई खट्टा, लेकिन ये उसके अपोज़िट, ये उतना ही मीठा, ये उतना ही मीठा। मैं बचपन में मीठे को ऐसे मतलब खाता था बचपन में, क्योंकि एक गिलास जूस के लिए इसके तकरीबन 6-7 मीठे चाहिए होते, तो मुझे ऐसे वालदा काट के देती थी और मैं सीधा सीधा इसको धोने के बाद काटने के बाद ऐसे ही मैं इसका जूस पी लेता था। जैसे अभी आपको देखा है कि मैंने इसका जूस पी लिया। नाज़रीन कुदरत का ये देखें, उधर मच्छर काटता है बीमारी पैदा करता है, उधर इसी मौसम में ये मीठा आता है और मीठा उस बुखार को कम करता है जो कि मलेरिया से होता है। सुभान अल्लाह वाबी हम देगी सुभान अल्लाह लाजीम। लीमू की तरह इसका छिलका इंतहाई पतला होता है, छिलका उतारना इसका बहुत मुश्किल होता है, और जो कुछ चेहरे के बेनिफिट्स आपको लीमू से होते हैं वो सारे के सारे सिट्रस लिमिटा यानी इस मीठे से भी होते हैं। यानी इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है वाफर मकदार में, और इसके अंदर जो है वो मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी अम्यून सिस्टम इंतहाई ज़्यादा पाया जाता है। पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। डाइट्री फाइबर भी पाया जाता है जो हाजमे में मदद करता है। और जो ये बुखार का कैसे इलाज है नाज़रीन, जब बुखार में आपका टेम्परेचर 102, 103, 104 डिग्री तक पहुँच जाता है, ख्वाह वो डेंगू का बुखार हो या नॉर्मल बुखार हो, तो मीठा टेम्परेचर को नॉर्मल करता है जिस्म के। क्या इसमें फ्रिज लगी है, क्या इसमें कूलिंग सिस्टम है? इसमें अज्ज़ा ऐसे पाए जाते हैं कि ये जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, क्योंकि है ही बुखार की मेडिसिन ये, तो बुखार में ये कमी करता है, सोजिश में कमी करता है, दर्जा हरारत आपका नॉर्मल लेके आता है। उसके बाद बुखार से, क्योंकि आपके बुखार से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, ये उस पानी की कमी को भी पूरा करता है और फ्लूइड ज़ाया होने से रोकता है। गज़ाइत इसमें ऐसी होती है कि जिस्म से जो नमकियात खारिज हो जाती हैं, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। और पसीने के ज़रिए जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जब पसीना सूखता है तो जिस्म सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना, मैंने आपको बताया था कि आप शिकंजबीन पीजिए, मीठा भी वही काम करता है, शिकंजबीन से बढ़कर ये काम करता है। और आपके जो दर्द हो जाते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स के रिमूव होने से, जो पट्ठों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, मीठा इसकी कमी को पूरा करता है। अगर कोई इनिशियल स्टेज हो बुखार का तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बुखार ना उतरे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मलेरिया ही हो, तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाइए। कितनी हैरानगी की बात है कि रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम देखिए कि
इधर बीमारी, इधर इसका इलाज, और इसके बेइंतहा फ़ायदे। आप चाहें तो लीमू की तरह आप इसको भी चेहरे पे रगड़ के इसके बेनिफिट्स ले सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ एसिड्स की कमी है जो लीमू में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्लीनलीनेस के लिए होता है, और ये आपके जो इम्यून सिस्टम और जिस्म में से बुखार दूरी के लिए होती है उसके लिए होता है। और इसके बहुत फ़ायदे हैं, अगर मैं सारी बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके अलावा इसमें मसूड़ों की जो तकलीफ़ है वो भी ख़त्म करता है, ये सेहतमंद बाल भी उगाता है, ये भी इसके एक फ़ायदे है, और जिल्द को भी सेहतमंद करता है, पानी की कमी पूरा करता है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें, ये जल्दी ख़त्म होने वाला है, सितंबर में जाके ये ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए आपको अभी तकरीबन मैं ले के आया हूँ 150 रुपये दर्जन के हिसाब से, लेकिन कई जगह पर मैं किलो के हिसाब से भी देखा है 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। जितना इसका इस्तेमाल करें उतना बेहतर है, माएँ अपने लिए भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से रात को मच्छर काट रहा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चों को महफूज रखे। ये बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल है, बच्चे हमारे ज़्यादा पैसा ज़ाया करते हैं इन फजूल चीज़ों पर जिनको ये चिप्स कहते हैं, ये चीज़ें बच्चों को दें, और यकीन करें कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, इस ज़माने में खाया हुआ आगे जाके भी काम आता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन, बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।